मुरु, क्या लगता है कि हमें कितना टाइम लगने वाला है किस चीज में? इस काम में? 4 दिन मैक्स। तुम क्या कहते हो शावी? दो महीने। यार बाल तो ठीक ही लग रहे हैं, मेरे ख्याल से दाढ़ी का कुछ करना पड़ेगा। कहने का मकसद यह है कि ना मैं कोई व्लॉगर हूँ, ना मैं कोई एक्टर हूँ, ना मैं कोई फेमस पर्सनैलिटी हूँ, ना मैं कोई एक बहुत बड़ा कलाकार हूँ। मैं एक सिंपल से इंसान हूँ जो कोशिश कर सकता है कि मेरी वीडियोज़ आपको एंटरटेन कर सके, और उम्मीद ये रखता है कि अगर वो गलती हो भी जाए तो आप लोग उस गलतियों को माफ़ करें और कॉमेंट्स में मेरी इसलाह करें ताकि मैं उसको ठीक करूँ और फ्यूचर में उसको दोहराऊँ ना। आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मुझे अर्जेंट लाहौर के लिए टिकट्स बुक कराने हैं। मुझे लाहौर से मेरे दोस्त ने कॉल की है, उसने बताया है कि वो एक प्रोजेक्ट पे मुझे हायर करना चाह रहा है एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन के लिए। ये वीडियोस मैं पहली दफ़ा बना रहा हूँ, मुझे पता नहीं फ्यूचर में क्या शूट करने वाला हूँ, और मुझे ये भी उम्मीद है कि बहुत सारे टैलेंटेड एंड एक्सपीरियंस्ड लोग मेरी टेक भी लेने वाले हैं और मुझे जज भी करने वाले हैं। लेकिन उनसे अभी से पहले से ही माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, क्योंकि बेबी स्टेप्स लेकर ही बंदा आगे बढ़ता है। कोई काम हमेशा कोई पहली दफ़ा ही शुरू करता है। तो देखते हैं ये वीडियोज़ कहाँ में लेके जाती हैं। क्यों ना आप लोग मेरे साथ रहें, क्यों ना मिलके एक्सप्लोर करें, क्यों ना मिलके देखेंगे हम फ्यूचर में क्या क्या इवेंट्स एक्सप्लोर करने वाले हैं। वैसे व्लॉग बनाने में मेरा इतना कोई खास एक्सपीरियंस तो नहीं है। YouTube पर मौजूद तमाम एक्सपीरियंस एंड टैलेंटेड यूट्यूबर्स से तो मेरा मुकाबला नहीं किया जा सकता। मेरी वैल्यू इस YouTube की दुनिया में इस LED लाइट की तरह, जो अपनी पूरी कोशिश कर रही है अपनी जगह को रोशन करने के लिए, और बाकी के यूट्यूबर्स हैं ये स्ट्रीट लाइट की तरह। लाहौर उतरने के बाद मैं सबसे पहले मिला मिकाल हसन भाई से। वहाँ पर हाजिरी लगाने के बाद हमारा मूड हुआ कुछ खा लेने का। कुछ देर के लिए सड़कें नापी और फिर प्लान बनाया क्यों ना नेहारी खाएं। मोहम्मदी नेहारी हाउस, होम डिलीवरी के साथ। ऑर्डर अच्छी तरह सोच समझ के कीजिएगा, एक दफा ऑर्डर प्लेस हो गया तो फिर रिफंड नहीं होगा और रिटर्न भी नहीं होगा। मेरी ज़िंदगी में एक वक्त था जब घर में किसी न किसी की जिम्मेदारी होती थी कि वो मुझे सुबह सवेरे उठा दे। अब एक वक्त ये भी है, चाहे जिस मर्जी वक्त का अलार्म लगा लो, आँख ने वही 5 मिनट पहले ही खुल जाना। शायद इसी को जिम्मेदारी कहते हैं। सोच रहा हूँ पहले नहा लूँ कि पहले ब्रश करूँ। पहले नहा लिया तो फिर ब्रश करते हुए सर्दी की वजह से ठिठरना पड़ेगा। चलो नहा लेते हैं। बुरी बात, चुम्मी नहीं करते। सुबह होते ही एडिटिंग का काम भी शुरू हो गया है, लेकिन सिस्टम किसी और के इस्तेमाल में है। कोई बात नहीं, हमारे पास एक और सिस्टम भी है, हम उस पर बैठ जाएंगे। शादी हाउस, मैडनेस इन द जॉफ्री हाउस। काम तो चलता रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। तो आई एम हेडिंग टूवर्ड्स शामी स्माइल कॉन्सर्ट विद My friend. What's up? कॉन्सर्ट में जाने के लिए जब हमने गूगल को लोकेशन दी तो गूगल चाचू ने बताया कि वो लोकेशन तो आपसे 2.5 घंटा दूर है, ऑलमोस्ट लाइक 60 to 70 kilometers दूर। खैर हम वहां पहुंचे, वहां पहुंचते के साथ ही मुरु को मिल गए उसके फैंस। उसके बाद हमने कॉन्सर्ट एंजॉय करना शुरू किया, लोग आते गए मिलते गए, और उसके बाद मुरु ने दी एक सरप्राइज परफॉर्मेंस जो कि पेड नहीं थी। रात के 4:30 बज रहे हैं इस वक्त, हम पहुंचे हैं। इंजॉयमेंट मैन, काम का दुश्मन। काम का तो बेड़ा गर्व हो गया, लेकिन क्या करें, जीना भी तो ज़रूरी है। सारी ज़िंदगी काम भी तो नहीं कर सकते, काम तो गधा भी करता है, पर हमने तो घोड़ा बनना है ना।
जो चने खाता है, जिसको रेस में दौड़ाया जाता है, जिसको अस्तबल में रखा जाता है, जिसको खूबसूरत कंसिडर किया जाता है, जिसको अच्छे नामों से पुकारा जाता है। वैसे भी ज़िंदगी एक सिगरेट की तरह है जो जल तो रही है, बुझ भी जाएगी, किसी के लबों से निकल कर, किसी के पैरों के नीचे आकर मट्टी की धूल बन जाएगी। तो क्यों ना जी लिया जाए, थोड़ा सा पी लिया जाए। कमरे में लाइट तो कम है, लेकिन मूड लाइट होने की वजह से काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। नींद भी आई जाएगी, उसने कहाँ जाना है। मूड से याद आया सुबह काम का मूड तो है, लेकिन इस वक्त मैं क्या ही जल्दी सोऊंगा। जल्दी उठने की जा सकती है, ताकि किसी और का टाइम खराब ना हो। आप भी कोशिश करें आपकी वजह से किसी और का टाइम खराब ना हो। तो मैं सोता हूँ और सुबह उठ के अपडेट करता हूँ। गुड नाइट एंड स्लीप टाइट। Editing Shavir Jaffri's wedding video. The person himself is a vlogger, actor. बहुत अच्छा sense है, बहुत talented है. In fact, अभी थोड़ी देर में वो आने वाला है, शावी. उसके बाद हमने कुछ voiceovers record करने, कुछ interviews record करने, और फिर उस video के अंदर incorporate करेंगे ताकि उसकी एक अच्छी look and feel define हो जाए. लोग अक्सर हैरत करते हैं और हमसे अक्सर सवाल पूछते हैं कि आप लोग एक कमरे में कैसे बैठ जाते हैं? कभी दो दिन, कभी तीन दिन, कभी कोई प्रोजेक्ट 15 दिन का है तो 15 दिन, नहीं तो महीना भी। यहाँ पे वो हो रहा था ना मॉल में पहली दफा जो, मुझे याद है, लेकिन अभी हमने इसके ऊपर क्या डिसाइड किया था? जिम्मेदारी है बॉस, निभानी तो पड़ेगी। मैं 3 दिन से यहाँ पे बैठा हुआ काम कर, और अभी तक मैं बाहर नहीं निकला हूँ। सनलाइट आती है खिड़की से, लेकिन उसको देख के एंजॉय कर सकते हैं। Because I love my work. इसके अलावा कुछ आता भी नहीं। अभी हम कर रहे हैं शाविर जाफरी का episode 1 final, और उसके बाद हम करेंगे episode 2 final, और उसके बाद करेंगे episode 3 final, और हमें release करना है within 2 days. मुरु, क्या लगता है कि हमें कितना time लगने वाला है? किस चीज़ में? इस काम में। 4 दिन max. Yeah. तुम क्या कहते हो शावी? 2 महीने। YouTube पे मौजूद किसी भी वीडियो को डिसलाइक करना या लाइक करना, बुरे कमेंट्स करना बहुत आसान है। एक क्लिक किया, कुछ टाइप किया, हो गया। लेकिन उसके पीछे की मेहनत के बारे में कोई नहीं सोचता। कितना सोचना पड़ता है, ये बॉय। कितनी मेहनत लगती है किसी भी एक चीज को बनाने के लिए, कितनी एफर्ट्स लगती है, कितनी सोच लगती है, कितने प्लान्स बनाने पड़ते हैं, कितने आइडियाज़ क्रिएट करने पड़ते हैं, कितनी स्टोरियाँ छोड़नी पड़ती हैं, कितनी गवानी पड़ती हैं, कितनों पे दिल को मारना पड़ता है। तेरे लिए क्लैरिटी। एक तो वैसे ही घर में कोई नहीं, ऊपर से ये अलग हॉरर माहौल चल रहा है इधर, क्या मजाक है। चलो खाने को तो कुछ है। एक मिनट पे गर्म कर देता हूँ, जितनी जल्दी गर्म होगा उतनी जल्दी खाऊंगा, उतनी ही जल्दी रूम में चला जाऊंगा। ये 1 मिनट कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, वो भी जा। कौन है? इसको क्या हो गया? इसको क्यों शोर कर रहा है? इंसान को भूख लगी हो ना तो हर खाना मजे का लगता है। एक नई सुबह, एक नए जोश के साथ, लेकिन बत्ती ही गई हुई है, क्या करें अब? बंदा काम करे कि इंतजार करे? Thank you.
कभी कभी वक्त इतनी तेजी से गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। इट्स टाइम फॉर सम म्यूजिक। तो भाई इन दोनों को म्यूजिक बनाते देखकर मैं तो बड़ा फैसिनेट हुआ। गाना भी बहुत प्यारा है, आप लोगों को सुनना है तो आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हैं। गाने का नाम है बोलो। और फिर आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब सारे व्लॉग्स YouTube पे अपलोड हो गए और आप लोगों ने अपने बहुत सारे प्यार से नवाजा। काम खत्म होते ही मैंने कराची की फ्लाइट बुक कराई और फिर मैं वहां से निकल चला, बहुत सारी यादें ली, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के साथ और बहुत सारे आपके प्यार के साथ भी। मैं हमेशा गुमनाम रहूँगा। मेरा काम तो बस दूसरों के किए गए कामों को अच्छा करना और उनको निखार कर आपके सामने पेश करना है। और अभी के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिए। चलता हूँ।